20 फरवरी को पेपर छूट चुका है फोर्थ शिफ्ट का। चलो आज दे दोस्तों पूछते हैं कैसा रहा आज का पेपर, आज का पेपर कैसा रहा आपका? बोर्डेड था पेपर, कैसा टफ था, इजी था? इजी था। कौन सा प्रिंट है आपका सर? इजी था, ये सेकंड टाइम था, मैंने दिल्ली पुलिस का भी एग्जाम दिया था, लेकिन क्वेश्चन क्या है थोड़ा घुमा फिरा के दिया। घुमा फिरा के क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चन बताओगे मैथ्स में? जैसे मैथ्स में सर, मैथ्स तो मेरी वीक है, ठीक है, जीएस वगैरह कुछ भी, जो भी क्वेश्चन आपको याद होगा आप बता सकते हैं। ठीक है था मेरा, ठीक है, जीएस ठीक था। कोई क्वेश्चन आपको याद होगा जो पूछा है आपसे? सर याद तो है लेकिन मैं लेट हो रही हूँ, जाऊँ कुछ क्वेश्चंस बता दो, जो मैथ से बता दो, रीजनिंग में बता दो। कुछ क्वेश्चन आए थे पॉलिटिकल साइंस में से, जीके जीएस से बता दो, इतिहास से बता दो, नेट वगैरह आए होंगे, खेल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आए थे ना, सभी आए थे। तो कैसा था, इजी था, पैटर्न इजी था? इजी था, इजी। तो आपको देश की लाखों करोड़ों जनसंख्या देख रही, तो आप आपके दोस्तों को क्या बताना चाहेंगे, कैसे वो प्रिपरेशन करें, कैसे वो प्रिपेयर होकर आए? सर इजी था वो तो, देखो मैंने तो बुक्स और मोबाइल से ही क्लास की थी, मतलब कोचिंग वगैरह नहीं किया, उस हिसाब से ठीक ही था। दिल्ली पुलिस का भी एग्जाम दिया था, वो भी ठीक गया, मेरे कितने 70 मार्क्स आए थे दिल्ली पुलिस में, 10 माइनस मार्किंग में चले गए 60 नंबर। क्या नाम है आपका? विशाखा सोनवाल है। विशाखा का कहना ये है कि आप मोबाइल से पढ़े, मॉडरेट पढ़े, इजी पढ़े और मोटा मोटा पढ़े, आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद। पूछा था, किसे पूछा था? आगा खप का पूछा था, और 64 का आया था एक, और पंचवर्षीय योजना आई थी। हिंदी में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे? हिंदी में ज्यादातर क्वेश्चन का लेवल कैसा था, वो हाई था या लो था? मीडियम था। आपको देश के लाखों करोड़ों जनसंख्या देखी, तो आप अपने दोस्तों को क्या बताना चाहते हैं? मैं तो यही बताना चाहूंगा कि टाइम कम पड़ा था, अभी टाइम कम पड़ा, बहुत कम था, क्योंकि 60 मिनट में जो अपना था ना, उसमें कैलकुलेशन करने में समस्या आई थी गणित में अपने, तो उसमें थोड़ा कम समय मिला था। मतलब साथियों, मेरे देश के नौजवान साथियों का कहना है कि टाइमिंग कम पड़ रहा है, क्वेश्चन बहुत इजी आ रहे हैं और मोटा मोटा पूछे, इतिहास से, खेल से रिलेटेड, नेत्र से रिलेटेड पूरा इजी क्वेश्चन आ रहा है। अगर आप लोगों को पेपर क्रैक करना है तो अपना उठा के पढ़ें, हमारा चैनल को एनालाइज करते रहें और देखते रहें और ठोक के लाइक करें, धन्यवाद। भाई साहब आपका नाम? सब मेरा नाम है शेखर वर्मा। क्या नाम है? शेखर वर्मा। शेखर जी आप मुझे ये बताइए, पेपर का जो मॉडरेट आया था पेपर, कैसा टफ आया था, इजी आया था, कैसा आया था, आपको कैसा लगा पेपर? मीडियम था पेपर, बढ़िया था, एक नंबर। कुछ क्वेश्चंस आपको याद होंगे मैथ्स में, जीके जीएस में, रीजनिंग में वगैरह वगैरह? हाँ, वो मैथ्स में 2-4 क्वेश्चन में दिक्कत आई थी। दिक्कत आई थी। हाँ। पेपर का पैटर्न कैसा था, टफ था, इजी था, कैसा था? मीडियम था, ज्यादा टाइप टफ भी नहीं और ज्यादा इजी भी नहीं। इतिहास से क्या क्या पूछा था, कोई क्वेश्चन आपको याद है? नेत्र वगैरह, खेल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन? हाँ, खेल से पूछा था। क्या क्या पूछे थे? क्रिकेट के बारे में पूछा था, क्रिकेट के बारे में पूछा था। दोस्तों आपका क्या नाम है? मेरा नाम राहुल वर्मा है, मैं भोपाल में ही रहता हूँ, मेरा पेपर तो बढ़िया गया। मेरा नाम पवन शर्मा है, पेपर बहुत सिंपल आया था फोर्थ शिफ्ट का। क्या क्या क्वेश्चन आए थे, कुछ जीके के क्वेश्चन? जीके का एक था जलियांवाला बाग से रिलेटेड था वो, और एक था नृत्य के ऊपर था एक। कैसा फॉर्मेट, कैसा रहा पेपर का? फॉर्मेट बहुत सिंपल था, लो सिंपल था, लो था। हाँ, जैसे आपको बस थोड़ा कैलकुलेटिव आ रहा है। हाँ, जी टाइमिंग थोड़ा भाई मेंटेन कम पड़ रहा है। आपको देश की लाखों जनसंख्या देख रही है, आप अपने भाइयों को क्या गाइड करना चाहते हैं? यही है बस, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, टाइमिंग का विशेष ध्यान रखें। हाँ। जैसे कि दोस्तों आपने सुना है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें और अपने एग्जाम निकाले। और कुछ जीके जीएस से कुछ रिकॉर्डिंग? सिंपल आ रहा है, बिल्कुल सिंपल। आपने ऑप्शन में हिंदी और इंग्लिश कौन सा करा? हिंदी। हिंदी हिंदी क्या आपने? हिंदी से क्या क्या क्वेश्चन आते? पर्यायवाची ब्लोमसन कुछ वगैरह, गुलाब के पर्यायवाची आए थे, और तद्भम और तत्सम। मतलब की पेपर का जो फॉर्मेट सिंपल रहा है, सिंपल एकदम, ज्यादा डीप नहीं पढ़ना है, बिल्कुल नहीं। चलो ठीक है, धन्यवाद।